अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन हमें पढ़ना है। अब व्हीटस्टोन किसे बोला गया था, तो ये आपको याद होगा कि व्हीटस्टोन बेसिकली पांच कैपेसिटर या पांच रेजिस्टर का एक कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना, जिसमें कुछ इस तरह का अरेंजमेंट हमें दिखाया जाता है। अगर हम रेजिस्टर का ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है, जैसे कि आप क्या कहते हो, एक व्हीटस्टोन। तो ये चार रजिस्टर हो गए, R1, R2 बोल देता हूँ, R3 और R4, ठीक है ना। यहाँ पांचवा रजिस्टर इस तरह से लगाया गया होगा, कोई R5। हमें पता है किसी भी व्हीटस्टोन के सर्किट में चार पॉइंट्स होंगे, ए बी सी डी। तो व्हीटस्टोन की पहचान क्या होती है, व्हीटस्टोन की पहचान होती है कि अगर आपने बैटरी को ए और बी के बीच में लगाया है तो आपको फिफ्थ रजिस्टर जो है सी और डी के बीच में लगाना चाहिए। अगर ये फिफ्थ रजिस्टर ए और बी के बीच में ही लगा होता तो ये सर्किट सिंपली सॉल्व हो सकता था पैरेलल कॉम्बिनेशन से, फिर इसे हम व्हीटस्टोन नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली हो क्या गया, चार रजिस्टर्स या चार कैपेसिटर्स का इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन, जहां अगर ए और बी के बीच में बैटरी है तो सी और डी के बीच में क्या होना चाहिए, फिफ्थ रेजिस्टेंस होना चाहिए। हमने क्या पढ़ लिया था, हमने पढ़ लिया था कि अगर आप यहाँ पे कोई बैटरी कनेक्ट कर देते हो तो ऑब्वियसली इस यहाँ से बैटरी से कुछ करंट विड्रॉ होगा सर्किट में, और ये करंट हर रजिस्टर से क्या करता रहता है, पास करता रहता है। ऐसा तब तक होता है जब तक कि व्हीटस्टोन बैलेंस नहीं हो जाए। तो अगर व्हीटस्टोन बैलेंस्ड हो जाता है, बैलेंस्ड का मतलब क्या हुआ, हमने कंडीशन निकाल ली थी, बेसिकली कोई भी व्हीटस्टोन बैलेंस तब कहलाएगा जब सी पॉइंट का पोटेंशियल और डी पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाए। सी पॉइंट और डी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होने से क्या हो जाता है, R5 में करंट फ्लो नहीं करता। तो जब R5 में करंट फ्लो ही नहीं करता तो उसे सर्किट में इंक्लूड करने का कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन हमने निकाली थी, तो वो हमें मिली थी R1 R3 इज इक्वल टू R2 R4। और हमने देख लिया था कि अगर आपका व्हीटस्टोन बैलेंस्ड है तो आप सिंपली क्या करोगे, R5 को हटा दोगे, फिर हमें R1 R2 सीरीज में दिख जाएंगे, R3 R4 सीरीज में दिख जाएंगे और फाइनल कॉम्बिनेशन पैरेलल में आ जाएगा। सॉल्व करके आप इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, ठीक है। अब अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन हो जाएगा जब इसी तरह का कुछ अरेंजमेंट है, पांच रजिस्टर या पांच कैपेसिटर है, लेकिन R1 R3 का मल्टीप्लीकेशन इक्वल नहीं है R2 R4। अगर ये इक्वल नहीं है, यानी व्हीटस्टोन को आप बैलेंस नहीं कह सकते, अगर व्हीटस्टोन को बैलेंस नहीं कह सकते तो हम R5 को सर्किट में से हटा नहीं सकते। अगर आप R5 को सर्किट से हटा नहीं सकते तो फिर इसे सॉल्व कर पाना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसे फिर हम पॉइंट मेथड से नहीं कर पाएंगे, मिरर सिमेट्री से नहीं कर पाएंगे, फोल्डिंग सिमेट्री से नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। जो भी हमने मेथड्स पढ़े हैं उनसे आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो फिर अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन को किस तरह सॉल्व करा जाता है, तो उसके लिए एक नया मेथड आ जाता है जिसे हम बोल देते हैं VI मेथड, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये मेथड लंबा मेथड है, तो बहुत रेयरली ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा, पर अगर आ जाता है तो आप किससे सॉल्व करोगे, VI मेथड से सॉल्व कर दोगे। ये पॉइंट दे दिया गया है ए पॉइंट और ये पॉइंट दे दिया गया है बी पॉइंट, और हमसे पूछा जाए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा ए और बी के बीच में। तो आपको ये तो दिख गया कि यहाँ पे पांच रजिस्टर हैं और ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज तो बन रहा है। फिर अगली चीज आप चेक करोगे कि ये बैलेंस्ड है या नहीं है, तो आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 3 × 1 = 3, 2 × 1 = 2, और 3 ऑब्वियसली इक्वल नहीं होता है 2 के, तो ये व्हीटस्टोन बैलेंस्ड नहीं है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जिसमें सबसे पहला स्टेप आ जाता है कि आप ए बी यानी जिन पॉइंट्स के अबाउट इक्विवेलेंट निकालना है उनके अक्रॉस एक बैटरी अज्यूम कर लेते हो वी वोल्ट की, ठीक है ना। तो यहाँ वी मैंने वेरिएबल लिया है, वेरिएबल ही लेना होगा आपको भी, बेटर रहेगा, ठीक है। तो मैंने एक वेरिएबल बैटरी, मतलब एक वेरिएबल के टर्म्स में बैटरी को कनेक्ट कर दिया ए और बी के अक्रॉस, समझ आई बात। उसके बाद जो पॉइंट्स सी और डी हैं, जिनका पोटेंशियल इक्वल हो जाता था जब व्हीटस्टोन बैलेंस होता था, ऑब्वियसली इस केस में नहीं होगा वो इक्वल, तो उसी को हम क्या मान लेंगे, एक्स और वाई। तो इन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल को आप मान लोगे एक्स और वाई। अब ऐसा सोच के देखो कि अगर बैटरी से कोई करंट आई फ्लो करके सर्किट में जा रहा होगा तो यहां जाने के बाद वो करंट इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, कुछ I1 और कुछ I2। यानी कि मैं कह सकता हूं कि बैटरी से जितना भी करंट विड्रॉ हुआ है वो I1 और I2 में क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अच्छा, आई की वैल्यू क्या होगी, तो आई की वैल्यू होगी EMF अपॉन R इक्विवेलेंट, जो भी सर्किट का R इक्विवेलेंट आने वाला है। तो किसी तरह से अगर हमें I मिल जाए
v के टर्म्स में, तो हम क्या निकाल सकते हैं, आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप यूज करते हो जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ यूज करोगे आप एट एक्स एंड वाई। आपको एक्स और वाई पे जंक्शन लॉ यूज करना पड़ेगा ताकि आप आई वन और आई टू की वैल्यू कैलकुलेट कर सको। और आप समझ भी रहे हो, अगर हमें आई वन और आई टू मिल गया एक बार, तो आप सिंपली i इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू कर सकते हो, है कि नहीं? तो मैं वही कर देता हूं, पहले मैं लगा देता हूं जंक्शन लॉ x पे, ठीक है? अब हम अज्यूम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैं दूर जाता हुआ अज्यूम कर लूंगा, क्योंकि मैंने इस तरह का पैटर्न बना रखा है, ठीक है? तो मैं मान लेता हूं ये है i1, ये है i2 और ये है i3। सिमिलरली y से दूर जाते हुए मान लेता हूं i4 या इसको नाम i5 i6, ठीक है ना? ये i1 i2 अभी मैं भूल जाता हूं, और मैं बस इनसे दूर जाते हुए मैंने करंट्स मान लिए i1 i2 i3 i4 i5 i6। तो x पे अगर मैं बनाऊंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, x पे इक्वेशन हमें मिल जाएगी i1 plus i2 plus i3 is equal to 0। वैल्यूज पुट कर देते हैं, i1 x हमेशा क्या माना जाता है, हाईएस्ट पोटेंशियल। यहां अगर आप जीरो पोटेंशियल अज्यूम कर लेते हो तो यहां भी जीरो आ जाएगा, जिससे यहां भी मिलेगा और यहां भी क्या मिल जाएगा, v। तो i1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं, i1 सिंपली क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, जो कि हमारा कितना है 1 ओम, यानी कि x माइनस वी बाय 1। तो यहां आप लिख सकते हो x माइनस वी बाय 1 प्लस i2 की वैल्यू, यहां x है यहां y है, जब जंक्शन लॉ x पे लगा रहे हैं तो x ग्रेटर देन y मानना है, यानी कि x माइनस y बाय 1। और सिमिलरली x माइनस 0 बाय 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे इक्वेशन मिलेगी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू वी। ये आ गई आपके पास पहली इक्वेशन, समझ आई बात, ठीक है ना? अब हम लगा देंगे जंक्शन लॉ किसके ऊपर, y के ऊपर। तो अगर आप y के ऊपर जंक्शन लॉ लगाओगे तो वही i4 प्लस i5 प्लस i6 ये हो जाना चाहिए 0। वैल्यूज अगर पुट करें क्या मिलेगा, i4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप देख सकते हो i4 मैंने इस ब्रांच में करंट माना है, तो एक इस पॉइंट पे y है और इस पॉइंट पे v है, तो सिंपली क्या हो जाएगा, y माइनस v बाय रेजिस्टेंस 2 ओम प्लस y माइनस x बाय 1 प्लस y माइनस 0 बाय 3 इज इक्वल टू 0। समझ आया? सॉल्व करेंगे ये इक्वेशन मिलती है 11y माइनस 6x इज इक्वल टू 3v, ठीक है ना? तो ये आ गया आपके पास दूसरी इक्वेशन। अब हमें दो इक्वेशन मिल चुकी है, किसके अंदर, x के अंदर और y के अंदर, ठीक है? सॉल्व कर सकते हो आप, मैंने पहले सॉल्व करके रखा है। x की वैल्यू आपको मिल जाती है यहाँ से 14 बाय 27v और y की वैल्यू यहाँ से मिल जाती है हमें 5v बाय 9। समझ आया? क्योंकि अब हमें x और y मिल चुका है तो सिंपली मैं क्या निकाल सकता हूँ, देखो जरा, इस ब्रांच में जाने वाले करंट को मैंने माना था i1 और इस ब्रांच में जाने वाले करंट को मैंने माना था i4, यानी मुझे क्या चाहिए, i1 प्लस i4 चाहिए। तो आप सिंपली क्या निकाल लो, i1, पहले हम निकाल लेते हैं i1, उसकी वैल्यू आ जाएगी x माइनस वी बाय 1। वैल्यूज पुट करेंगे तो 14 बाय 27 v माइनस v बाय 1, यानी कि हमें वो मिल जाता है माइनस 13 v बाय 27। समझ आया? माइनस साइन क्या शो कर रहा है, क्योंकि आपने y से दूर जाते हुए माना था करंट, और ऑब्वियसली देखो करंट यहां से आया होता तो y की तरफ ही जा रहा होता, ठीक है? तो ये हमें वैल्यू मिल गई किसकी, i1 की। सिमिलरली मैं वैल्यू निकाल लूंगा i2 की, या जो हमने माना था i4, ठीक है ना? i4 हमें मिल जाएगा जो कि कितना है, y माइनस v बाय 2, यानी 5v बाय 9 माइनस v बाय 2, और ये वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस 2v बाय 9। समझ आए? तो अब हमें i1 और i4 मिल चुका है, तो आप i net जो कि आपने माना था क्या, v बाय r equivalent, उसे लिख सकते हैं i1 प्लस i4, ठीक है? दोनों में ही नेगेटिव साइन है, जो बेसिकली शो कर रहा है कि दोनों में ही करंट x और y की तरफ जा रहा होगा। तो सिंपली मैं मैग्नीट्यूड्स को अगर ऐड कर दूं तो आ जाएगा 13v by 27 प्लस 2v by 9, 19v by 27, ठीक है ना? सॉल्व करोगे v से v कट जाएगा, आपको r इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 27 by 19। मेथड समझ आया? किसी को कोई डाउट है तो बोलो।
एक आध क्वेश्चन खुद से करके देखो, ठीक है ना? ट्राई करो सभी लोग, फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा आर इक्वलेंट? क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, बैटरी अज्यूम करनी होगी वी वोल्ट की। तो मैं ए और बी के बीच में तो एक बैटरी अज्यूम कर लेता हूं, ठीक है ना? तो ये हो गई वी वोल्ट की बैटरी, यहां मान लो जीरो पोटेंशियल, यहां जीरो आ गया, यहां वी है और यहां भी मिल गया हमें वी। अननोन पॉइंट्स का हमें मानना है क्या, एक्स और वाई। तो यहां मान लिया मैंने एक्स और यहां मान लिया वाई। अब करंट अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना? मान लो कि बैटरी से कोई करंट निकला होगा, आई, ठीक है ना? तो वही करंट इन ब्रांचेस में जाने वाला है। मैं यहां पे करंट को अज्यूम कर लेता हूं, ये हो गया आपका आई वन, ये हो गया आई टू, ये हो गया आई थ्री, ठीक है ना? इसे मान लेता हूं आई फोर, ये आई फाइव और ये आई सिक्स। एक्स पे लगा देते हैं, एक्स पे अगर इक्वेशन लगाओगे क्या मिलेगा, वो हो जाएगा एक्स माइनस वी बाय वन, सॉरी एक्स माइनस वी बाय टू, ये हो गया आपका आई वन, प्लस आई टू हो जाएगा एक्स माइनस वाई बाय वन, प्लस आई थ्री हो जाएगा एक्स माइनस जीरो बाय वन, ये हो जाना चाहिए जीरो। समझ आएगा? सिमिलरली y पे अगर लगा देंगे तो i4 फोर प्लस आई फाइव प्लस आई सिक्स ही होना चाहिए जीरो। i4 को हम लिख सकते हैं y माइनस वी बाय वन प्लस y माइनस एक्स बाय वन प्लस y माइनस जीरो बाय वन, ये हो जाना चाहिए जीरो, ठीक है ना? यहां से देखो क्या मिलेगा, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू वी, एक इक्वेशन ये मिल जाएगी हमें। दूसरी क्या मिल जाएगी, 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू वी, ठीक है? दो इक्वेशन आ गई है, दो अननोन है, सॉल्व कर सकते हो, क्या आएगा सॉल्व करके, ठीक है ना? सॉल्व करोगे इसको, 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिलेगा, 6y माइनस 2x ये हो गया 2v, और 15y 15x माइनस 6y इज इक्वल टू 3v, ठीक है? यहां से हमें मिल जा रहा है क्या, 13x इज इक्वल टू 5v, या x हमें मिल जाएगा 5v बाय 13। x आपको मिल गया है 5v बाय 13, किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, तो y हमें मिल जाएगा v प्लस 5v बाय 13 बाय 3, यानी कि 6v बाय 13। ये हमें वैल्यू मिल गई किसकी, y की। अब आपके पास x और y आ चुका है, तो सिंपली बस आपको क्या निकालना है, अब हमें निकालना है i1 और i4 की वैल्यू, यानी x माइनस v बाय 2 प्लस y माइनस v, ठीक है? तो नेट आप लिख सकते हो कि v बाय r इक्वलेंट, ये हो जाएगा क्या, v बाय 13 प्लस y माइनस v, यानी कि 6v बाय 13 माइनस v, ठीक है ना? तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 7v बाय 13। सॉल्व करो, यहां से मिल जाएगा 11v बाय 13 और r इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 बाय 11 ओम। समझ आया? सेकंड ट्राई कर सकते हो, जल्दी से सेकंड बताओ क्या आएगा, देख लो क्या आ जाएगा। बैटरी लगा देते हैं v वोल्ट की, यहां जीरो माना, यहाँ जीरो इज जीरो, वी और पी, यहाँ एक्स मान लो, यहाँ वाई मान लो, ठीक है? यहाँ करंट मान लिया आई वन, आई टू, आई थ्री, आई फोर, आई फाइव, आई सिक्स। एक्स पे लगा देते हैं पहले, अगर एक्स पे लगाओगे क्या मिलेगा, एक्स पे आ जाएगा एक्स माइनस वी बाय टू प्लस एक्स माइनस वाई बाय फोर प्लस एक्स माइनस जीरो बाय वन इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली y पे लगा दें i4, i5, i6, तो वो जाएगा y माइनस वी बाय वन प्लस y माइनस एक्स बाय फोर प्लस y माइनस जीरो बाय टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है? यहां से हमें फर्स्ट इक्वेशन क्या मिल जाएगी, 7x माइनस y इज इक्वल टू 2v, ठीक है? और सेकेंड इक्वेशन क्या मिल जाएगी हमें, 7y
माइनस एक्स 4v, ठीक है ना। ये दो इक्वेशन हमें मिल जाएगी, ये दो इक्वेशन मिल गई है, इन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है, x x आ रहा है 3v/8 और y आ जाएगा 5v/8, ठीक है ना। तो ये हमें मिल गई किसकी, x और y की वैल्यू। अब सिंपली मैं निकाल दूंगा क्या i1 और i2, तो x माइनस वी बाई टू यानी 3v/8 माइनस वी बाई टू प्लस y माइनस वी यानी 5v/8 माइनस वी, ये हो गया आपका i1 प्लस i2, क्या हो जाना चाहिए इक्वल v/r equivalent, ठीक है ना। तो r equivalent आ जाएगा आपके पास 16/11, ठीक है ना, समझ आया।